सूर्य हैं वो वैदिक देवता है, और ऐसे वैदिक देवता हैं जिन्हें सनातन धर्म में हमने जो नौ ग्रहों की प्लैनेट्स जिसे कहते हैं, तो ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द नाइन प्लैनेट्स। तक आज जिसे हम राणामाई कहते हैं, राणामाई यानी कि आज खरना भी एक शब्द है लोक भाषा का, तो खरना के दिन यानी कि राणामाई का आज व्रत है, राणामाई यानी कि सूर्य की माता जी का। सूर्य के उदित होने के पूर्व जो उषा काल होता है, वो जो लालिमा आप देखते हैं, वो जो पूरब की ओर क्षितिज पर जो लालिमा बिखर जाती है, उस लालिमा का नाम सूर्य के उदय होने के पूर्व अरुणिमा है। तो अरुणिमा शब्द से आगे अपभ्रंश हुआ अरौनमा, और अरौनमा अरुणिमा, अरौनमा अरौनमा से रौनमा, अरौनमा से रौना माई। तो ये रौना माई अरुणिमा शब्द का, संस्कृत के मूल शब्द अरुणिमा का ही देशज शब्द है, भगवान सूर्य की आराधना की थी। तो इस व्रत की जो भूमिका है वो द्वापर में, वो त्रेता में, सतयुग में, सब में पहुंचता है, और आज जो वो व्रत है वो हमारे इस युग में ये लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। इतना बड़ा पर्व और कोई नहीं है, कोई मंत्र नहीं, कोई रूलिंग्स नहीं। रूलिंग्स का मतलब है वही रूलिंग्स है जो पवनैतिन या व्रती या इस व्रत को करने वाली जो महिला है वो जो कहेंगी वही इसकी रूलिंग है, वो जैसे करेंगी वही इसका विधान है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि यह महीना बहुत ही पवित्र और पावन महीना है, और इस महीने का नाम कार्तिक महीना है। कार्तिक महीने का महत्व दक्षिण से लेकर उत्तर, पूरब से लेकर पश्चिम, और इस ऋतु में सारे जगह इस कार्तिक महीने को एक पवित्रतम महीना माना गया है। और इसी पवित्रतम महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी व्रत कहें, छठ पूजा कहें, तो उस छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज पंचमी है, और ये सूर्य पूजा का जो व्रत है, ये व्रत लगभग 4 दिनों तक लगातार चलता है, और इस व्रत की विशेषता ये है, इस व्रत की विशेषता ये है कि इस व्रत में जो व्रती होते हैं यानी कि जो व्रत करते हैं उन्हें उपवास रहना पड़ता है, और पूरी तरह से निर्जल उपवास रह करके, और फिर कहिए कि ये पूजा करनी पड़ती है। 4 दिनों का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पूजा है छठ पूजा, जिसमें आप सभी जानते हैं कि पहले दिन कहीं कहीं उसे लोक भाषा में कद्दुआ भात कहते हैं, या कहीं कहीं उसे नहा खाए कहते हैं, यानी कि इस पर्व के लिए यानी कि व्रत के लिए यानी कि छठ पूजा के लिए व्रती को पूरी तरह से तैयार होना पड़ता है, और उस तैयारी के लिए उसे अपने आप को बाह्य और भीतर से पवित्र करना पड़ता है। इसके लिए उसे नहा खाए यानी कि स्नान ध्यान करना, शुद्ध भोजन करना, और फिर उसी समय से छठ मैया की आराधना में लीन हो जाना, और एक एक कर दिन चलता जाता है। तो नहा खाए का मतलब है कि स्वयं को पवित्र करना बाह्य रूप से अंतर रूप से, और पवित्र करके और फिर उस पवित्रता के साथ इस पूजा को अंजाम दिया जाता है। और वो पूजा आज विश्व में एक विशेष महत्व का पूजा हो चुका है। आप लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई, और आज खास करके जो आज खरना है यानी कि रौना माई, लोक भाषा में इसे रौना माई कहते हैं, रौना माई की पूजा का आज दिन है। रौना माई के बारे में यह कहा गया है कि वो जो आदित्य हैं यानी कि सूर्य, उनकी माँ हैं, और ये बड़ा ही अनूठा पर्व है अपने आप में कि माँ की भी पूजा होती है, और पहले होती है, और माँ की पूजा के बाद सूर्य की पूजा, आदित्य की पूजा, दीनानाथ की पूजा होती है, और ये दुनिया का एक ऐसा अनूठा और एकमात्र पहला पर्व है जिस पर्व में डूबते सूरज को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना उगते सूरज को। तो डूबते सूरज की पूजा का ये विधान पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन धर्म में है, हमारे भारत में है, और अब तो ये पूजा पूरे वैश्विक रूप में फैल गया है। दिल्ली में एक एक घाट पे आज लाखों लाख
श्रद्धालु तैयार हैं, कल परसों दोनों दिन वो भगवान सूर्य की उपासना करेंगे, उनको अर्घ देंगे। तो मैं इस चीज में आप लोगों को ये बताऊं कि आप सभी जानते होंगे, फिर भी आज हम आपको कुछ चीजें याद दिलाने के लिए कहना चाहेंगे कि जो सूर्य है वो वैदिक देवता है, और ऐसे वैदिक देवता हैं जिन्हें सनातन धर्म में हमने जो नौ ग्रहों की प्लैनेट्स जिसे कहते हैं, तो ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द नाइन प्लैनेट्स। जितने भी ये नवग्रह हैं उन नवग्रहों के वो स्वामी हैं सूर्य। तो इस तरह से वो देव वैदिक देवता हैं, और वो समस्त ऊर्जा के केंद्र हैं, समस्त ऊर्जा के केंद्र हैं, और वेदों के देवता। और आप सब जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो वैज्ञानिक है और जिसके बारे में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, वो जो वैदिक पर्व, वो जो वैदिक मंत्र है ऋग्वेद का और गायत्री मंत्र, वो गायत्री मंत्र सूर्य की उपासना का ही मंत्र है और सूर्य के स्वागत के लिए है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक दिन पढ़ा जाने वाला यह मंत्र भगवान सूर्य के स्वागत का दिन है, और ये जो है शक्ति संपन्न मंत्र है, इतना आप सभी जानते होंगे। और सूर्य के इस उल्लेख का आप सभी जानते हैं कि इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य सबसे प्रधान माने जाते हैं, और जिनके भी ज्योतिषीय गणना में, जिनके भी कहिए कि उनके कुंडली में, जन्म कुंडली में सूर्य के अगर योग है, जोरदार है, तो उसका ये होता है। और किन्हीं को अगर सूर्य दोष है तो निश्चित रूप से देखिए कि सूर्य दोष से निवृत्ति के लिए आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सूर्य की आराधना करनी पड़ेगी। ये पहला सूर्य दोष से मुक्ति का ये है। तो आप समझ लीजिए कि ये छठ पूजा जो है आपसे सूर्य दोष की मुक्ति का भी पूजा है, क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि जिस दिन सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर उस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, तो जाहिर है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य को अर्घ देना है, और यह सूर्य को अर्घ देने से आपके कुंडली का या आपके जन्मपत्री में अगर कोई सूर्य दोष है तो वह दोष भी समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये ज्योतिषीय और इस तरीके से वैदिक, और इतना ही नहीं, उसके बाद जो हम गीता में जाते हैं तो गीता भी आप सभी जानते हैं कि गीता में विवस्वान सूर्य है, और गीता का सबसे पहले उन्हीं को भगवान कृष्ण ने सुनाया था। तो इस तरह से ये सारी बातें हैं, और एक नाम है वैसे तो अदिति, आप सभी जानते हैं कि यह कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम में देवता सब हार गए, और उनके हार जाने के बाद माता अदिति ने भगवान सूर्य की आराधना की थी, और भगवान सूर्य की आराधना कर उनसे यह प्रार्थना की थी कि मुझे एक तेजस्वी पुत्र मिले, और उनको जो तेजस्वी पुत्र मिले वो उनका नाम आदित्य रखा गया। तो आज भी इस छठ पूजा में जो आदित्य कहते हैं वो उसी आदित्य का ही पर्याय है, और पुत्र की कामना से किया जाने वाला यह महापर्व है। लेकिन आज पुत्र भी और पुत्री भी, संतान मांगने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए छठ पूजा का सबसे ज्यादा लोक आस्था में, लोक विश्वास में, लोक मान्यता में आज भी यह व्रत बहुत ही महान व्रत है। इसी तरीके से आप जानते हैं, एक और चीज आज आपको बताना चाहूंगा, खास करके आज जिसे हम रौना माई कहते हैं, रौना माई यानी कि आज खरना भी एक शब्द है लोक भाषा का, तो खरना के दिन यानी कि रौना माई का आज व्रत है, रौना माई यानी कि सूर्य की माता जी का। तो आज जो व्रती होते हैं वो सुबह से ही उपवास करके, निर्जल उपवास करते हैं, और वो बनाते हैं खीर। आप सभी जानते हैं कि दूध में चावल डाल के और उसमें गुड़ डाल जाता है, तो गुड़ की बड़ी महिमा है। और एक बात और इससे जोड़ता हुआ बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य के लिए जो सबसे पसंद की वस्तु है, मिठाई है, वो है गुड़, और गुड़ यानी कि ईख। तो गुड़ का खीर बना के आज रौना माई की पूजा की जाती है, उनको पात्र दिया जाता है, उनकी विधिवत पूजा होती है, और इस सूर्य पूजा में, छठ के पूजा में ईख का यानी कि जो गुड़ का मूल है, गुड़ का उत्पन्न करने का जो माध्यम है, उसकी बहुत ही महत्ता है। तो इस तरह से आप छठ पूजा में जो देखते हैं कि आखिर क्यों लोग इतने ज़्यादा उसके ईख के लिए दौड़ते हैं, तो ईख का मतलब है कि वो सूर्य के सबसे प्रिय मिठाई है, गुड़, उस गुड़ का ही है। तो वैसे तो कहा जाता है कि सूर्य की पत्नी शरण्यु है, लेकिन इसी ये सूर्य की पत्नी का नहीं, ये जो है रौना माई का है। और रौना माई के लिए विद्वानों का भी और मेरा भी मत है कि एक सूर्य के उदित होने के पूर्व जो उषा काल होता है, वो जो लालिमा आप देखते हैं,
वो जो पूरब की ओर क्षितिज पर जो लालिमा बिखर जाती है, उस लालिमा का नाम सूर्य के उदय होने के पूर्व अरुणिमा है। तो अरुणिमा शब्द से आगे अपभ्रंश हुआ अरौनमा, और अरौनमा अरुणिमा, अरौनमा अरौनमा से रौनमा, अरौनमा से रौना माई। तो ये रौना माई अरुणिमा शब्द का, संस्कृत के मूल शब्द अरुणिमा का ही देश शब्द है, और इसीलिए अरुणिमा की पूजा करते हैं, यानी कि सूर्य के उगने के पूर्व उनकी माता हम मानते हैं अरुणिमा को, लोक आस्था में, लोक मान्यता में। तो ये अरुणिमा की पूजा है, रौना माई की पूजा है। तो आज रौना माई की पूजा है, रौना माई की कृपा आप सभी को रहे। निश्चित रूप से आप सभी शाम को जाइएगा और अपने अपने रौना माई की जो पूजा करेंगी आपकी व्रती, वहां पे जाके अपना शीश झुकाइएगा, मस्तक झुकाइएगा, आशीर्वाद मांगिएगा। रौना माई खुश तो भगवान आदित्य भी खुश। तो इसीलिए आज पहला ये है, तो आप सभी ध्यान रखकर के वहां निश्चित रूप से रहिए, सूर्य दोष से भी निवृत्ति के लिए और भगवान सूरज की कृपा के लिए भी। और भोर जो है, भोर यानी कि जो अरुणिमा कहते हैं, वो वैदिक देवी है, वैदिक देवी उषा का ही नाम अरुणिमा है। और इस तरह से वैसे तो कहा जाता है कि आकाश के पिता पवित्र देवस की बेटी है वो उषा, लेकिन वो उषा जो है वही अरुणिमा है। इसके साथ साथ छठ पूजा का एक और भी प्रसंग आता है, और वो प्रसंग आता है द्रौपदी का। द्रौपदी ने जब देखा कि उसके पति पांडव अपना सारा राजपाट हार गए हैं और कुछ बचा नहीं है, वैसे में उन्होंने ये छठ व्रत रखा। और सूर्य का ये छठ व्रत रखने के कारण ये मान्यता है कि उन्हें सब कुछ खोया हुआ राजपाट भी मिला, पुत्र भी सब कुछ मिले। तो इस तरह से इसके द्वापर में भी कहा जाता है और त्रेता में भी कहा गया था कि जिस दिन भगवान राम तो विजय प्राप्त किए दशहरा के समय, और फिर वो अयोध्या लौटे थे दीपावली के समय, और दीपावली के तुरंत छठ, जो कहिए कि राम राज्य शुरू होने का ये कार्तिक शुक्ल षष्ठी का दिन था, तो वो राम राज्य शुरू होने के अवसर पे उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की थी। तो इस व्रत की जो भूमिका है वो द्वापर में, वो त्रेता में, सतयुग में, सब में पहुँचता है। और आज जो वो व्रत है वो हमारे इस युग में ये लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। इतना बड़ा पर्व और कोई नहीं है, चार चार दिनों तक का पर्व है। एक दिन उपवास करना है, नहा धो के खाना पीना है, कद्दुआ भात खाना है, पवित्रता से रहना है, मन की तैयारी करनी है, तन की तैयारी करनी है और पवित्रता की तैयारी करके, और आज रौना माई की पूजा करनी है, यानी कि सूर्य के माता जी की पूजा करनी है। और सूर्य के माता जी की पूजा के उपरांत कल जो है वो डूबते हुए सूर्य की आराधना करनी है, जो विश्व में अपने आप में उठा है, और परसों उगते हुए सूर्य की आराधना करना है, और उनसे संतति मांगनी है, उनसे ऐश्वर्य मांगना है, उनसे धन मांगना है, और ये सब पूरा होता है, ऐसे लोक मान्यता रहा है, आस्था रहा है। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने भी बहुत जगह देखा है कि सूर्य का पूजा और छठ पूजा करने वाले ने अगर इस मान्यता से पूजा की है कि मुझे पुत्र मिले तो मैं पुत्र मिला है, और कई ऐसे पुत्रों के मुंडन संस्कार मैं छठ घाट पर करते हुए देखा हूँ। आज लोक मान्यता में यह भी देखा है, लोक आस्था में यह भी देखा है कि लोग ये कहते हैं कि हे छठ मैया, अगर मेरे पुत्र प्राप्ति होगी तो मैं आंचल पे आपको किसी का नृत्य करा के आपका व्रत करूंगी। तो यह भी होता है, जिनके पुत्र हुए हैं उन्होंने अपने आंचल बिछा दिया है और उस पर नर्तक नृत्य करते रहे। तो इस तरह से बहुत सारी मान्यता और लोगों की आस्था का पूरा होना हमने भी देखा है, और आपकी मान्यता, आपकी आस्था, आपको भी मन में अगर कोई कामना है तो ये निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और एक और चीज जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये छठ पूजा जो है दुनिया में अपने आप एक अलग तरह का पूजा है, प्रकृति का पूजा है। प्रकृति का पूजा है ब्राह्म मुहूर्त में उठना। आप ब्राह्म मुहूर्त में उठेंगे, आप केले का घर की व्यवस्था करेंगे, आप जो ईख है उसकी व्यवस्था करेंगे, आप जो इस ऋतु में पाए जाने वाले फल हैं उनकी व्यवस्था करेंगे, यहाँ तक कि कहिए कि हल्दी, उगी हुई हल्दी, कच्ची हल्दी आदि, ये से लेकर के जितने भी फल हैं वो सब चीज़, गागर नींबू से लेकर के नारियल। और इस तरह से ये जो पर्व है इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब और पश्चिम, चारों तरफ है। आज तो ये पूरे विश्व में यह फैल गया है, और दिल्ली जैसे जगह में इतने शानदार ढंग से ये होता है। मुझे आज भी याद है कि पहली बार इस देश के उप प्रधानमंत्री छठ पूजा में गए थे दिल्ली में, और दिल्ली घाट पे उन्होंने लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी थी। आज तो बहुत सारे जगहों पे ये होता है। तो इस तरह से ये
छठ पूजा का बड़ा ही महत्व है। तो एक तो ये बिल्कुल कहिए कि प्रकृति का पूजा, और प्रकृति के पूजा के साथ साथ इसमें आस्था का तो चरम उत्कर्ष। कोई मंत्र नहीं, कोई रूलिंग्स नहीं। रूलिंग्स का मतलब है वही रूलिंग्स है जो पवनैतिन या व्रती या इस व्रत को करने वाली जो महिला है वो जो कहेंगी वही इसकी रूलिंग है, वो जैसे करेंगी वही इसका विधान है। कोई मंत्र नहीं है, कोई पंडित नहीं, कोई पुजारी नहीं, और वो जो स्वयं में जो 4 दिनों से अपने आप को पवित्र करके तैयार है पूजा करके वही जो करती हैं उन्हीं का ये होता है। इसी तरीके से ये बिल्कुल सनातन धर्म का एक ऐसा व्रत है जिसमें कि सभी के सभी जाति आप पहचान नहीं सकते हैं। घाट पे आज आप दिल्ली के घाट पे जाएं, चेन्नई के घाट पे जाएं, या कहीं भी किसी भी घाट पे जाएं, आप नहीं पहचान पाएंगे कि इसमें ब्राह्मण कौन है, इसमें वैश्य कौन है, इसमें क्षत्रिय कौन है, इसमें बाकी लोग कौन है। तो ये वैश्य कौन है, क्षत्रिय कौन है, ब्राह्मण कौन है, और जो कहते हैं हम कि ये शूद्र, वो शूद्र कौन है। ये चारों ही वर्ण व्यवस्था में सारा जात पात मिटा करके और एक साथ एक दूसरे का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, एक दूसरे को सहयोग भी देते हैं। और ये कहा जाता है कि पटना में, तो ये कहा जाता है कि पटना, कई बार ये चर्चा की बात हुई थी कि वहां सबसे अधिक पॉकेटमारी वैसे हुआ करती है, लेकिन छठ के दिन न वहां कोई पॉकेटमारी होती है इतनी बड़ी भीड़ में, और न कहीं कोई चोरी होती है। तो समझ लीजिए कि ऐसे छोटे मोटे अपराध करने वाले भी छठ मैया की ऐसी कृपा से, ऐसी महिमा से वो प्रेरित होते हैं कि उस दिन कहीं कोई छोट अपराध नहीं होता है। तो न जाति की व्यवस्था इसमें देखी जाती है, हर जाति के लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के लिए मदद करते हैं और उनका प्रसाद का लेन देन करते हैं। तो इस तरह से सनातन व्यवस्था का ये अद्भुत पर्व है। एक ओर तो प्रकृति से जुड़ाव, दूसरी ओर वैदिक और अपनी संस्कृति से जुड़ाव, तीसरी ओर आस्था से जुड़ाव, और आस्था भी ऐसी कि बस जो कह दिया वो होगा। छठ मैया से आप भी मन के देखिए। और इसमें बड़ा प्यारा स्थान होता है गीतों का। गीतों का आप भले ही वैदिक में ये कहें कि आदित्य का ये जन्म है, लेकिन लोक मान्यता में आदित्य की माँ दीनानाथ की माँ, वो दीनानाथ शब्द भी बड़ा ही प्यारा शब्द है। आप सोच लीजिए कि दीनानाथ यानी कि सूर्य के उस नाम को हमारे लोक संस्कार ने ग्रहण किया है, हमारी लोक संस्कृति ने ग्रहण किया है कि सूर्य के बहुत सारे नाम हैं, इनके सहस्र नाम हैं, और हर नाम की अलग अलग व्याख्या है, अलग अलग उसके अर्थ हैं। तो दीनानाथ जो दीनों के नाथ हैं, गरीबों के नाथ हैं, उस सूर्य की उपासना छठ पूजा में होती है। आदित्य की यानी कि जो अदिति के पुत्र हैं उस आदित्य की पूजा छठ पूजा में होती है। और अदिति रौना माई नहीं है, लेकिन वो रौना माई अदिति की ही प्रतिनिधि है। और जैसा कि मैंने कहा कि अरुणिमा शब्द का जो संस्कृत शब्द अरुणिमा है, वो संस्कृत शब्द अरुणिमा का जो है वो देश स्वरूप है अरुणिमा, अरौनमा, रौनमा और रौना माई। तो आज रौना माई का खरना है। इस तरह से ये व्रत, ये पूजा बहुत ही सुंदर पूजा है और आप सभी इसमें जाएंगे। आप देखते हैं कि लोक मान्यताओं में जो गीत है इतना सुंदर गीत है कि वो व्रती पूजा करता रहता है, उपवास है, जल नहीं पिया है, देह में ताकत नहीं है, लेकिन छठ मैया का गीत सुनते ही, रौना माई का गीत सुनते ही, दीनानाथ का गीत सुनते ही, जो ही वह सुर उनके कानों में पड़ता है, पूरे विश्व में अगर कहीं भी छठ पूजा करने वाले का परिवार है तो वो अपने गांव लौट जाता है, अपनी माँ के पास लौट जाता है, छठ मैया के पास लौट जाता है। तो ये इस पर्व की सबसे बड़ी महत्ता है कि इसमें आस्था की पराकाष्ठा, प्रकृति की पूजा, अपनी संस्कृति का गान और अपनी संस्कृति से जुड़ाव और भावना, इसमें भावनाएं ही सब कुछ है। भाव वैसे भी कहा जाता है, संस्कृत में कहा गया है कि जो देवताओं को भाव प्रिय है और वो भाव होना अति आवश्यक है। और कृषि का पर्व है। देखिए अभी अब कृषि शुरू होगी, इस पर्व के बाद से ही जो पारण होगा यानी कि सूर्य के उदय होने के दिन का अर्घ जो होगा उस दिन के बाद से ही वो सारा कार्यक्रम खेती का शुरू होता है। तो और इसमें जो है वो समझ लीजिए कि सारे ऋतु फल जो है इस ऋतु में पाए जाने वाले, कितना सुंदर ऋतु है ये, कार्तिक महीना का पवित्र माह है और इसमें इतने सुंदर ऋतु में ये सारा कुछ मिलता है। और इस ऋतु में उन सब से हम पावन पूजा करते हैं। केले का पत्ता, आप देखिए केले के जो
पौधा है उसके ओट से आते हुए सूरज को कभी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्या कि हाँ कि कैसा है ये सूर्यदेव। ब्राह्म मुहूर्त में उठें और निश्चित रूप से आपके सूर्य दोष की मुक्ति होगी। तो इस तरीके से वैदिक साहित्य, इस तरीके से धार्मिक साहित्य और लोक साहित्य का ये परम संगम वाला पर्व है। इसमें लोक भारी हो जाता है, लोक की आस्था भारी होती है, लोक की मान्यता और विश्वास ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो ऐसे इस पर्व के लिए भले ही वो राजा प्रेमवध ने किया हो पुत्र प्राप्ति की कामना से, द्रौपदी ने किया हो भले ही अपने पतिदेव के राजपाट पे हुए और उसे फिर प्राप्त करने के उद्देश्य से, या फिर कहिए कि कर्ण ने किया हो, कर्ण ने भी किया, कर्ण ने भी सूर्य की पूजा की। आप सभी जानते हैं कि वो सूर्य पुत्र थे और उनको कवच कुंडल सूर्य ने दिया था, तो सूर्य के पूजा। लेकिन जो आधुनिक काल में ये कहा जाता है इतिहास के हिसाब से कि ये जो है वो प्रतिहार षष्ठी के रूप में भी इसे ज्यादा मानते हैं। प्रतिहारवंशी क्षत्रियों ने इस पर ज्यादा जोर दिया और उसके बाद ये प्रतिहार वंशी क्षत्रियों के द्वारा ज्यादा मान्यता प्राप्त हुआ छठ और लोक में फैला। तो इस तरह से इन्हें कभी प्रतिहार षष्ठी भी कहते हैं। और पूरे विश्व में जहां भी आज छठ पूजा होता है उसकी मूल भूमि अगर मैं ये कहूँ तो वो है भगवान सूर्य का सबसे प्रसिद्ध मंदिर देव, जो औरंगाबाद में गया के पास है। तो ये अति प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर की बहुत सारी आप लोगों ने कहानियां सुनी होगी। तो वही देव में ये सूर्य पूजा हुई और अब तो प्रत्येक नदी तालाब, और अगर नदी तालाब नहीं है तो निश्चित रूप से अपने अपने घरों में छोटे कठौती में भी, मनचंगा तो कठौती में गंगा, ये रख के लोग उसमें पूजा कर लेते हैं और छठ मैया की आराधना कर लेते हैं। तो छठ मैया की जब भी चर्चा चलती है तो आस्था से हमारा मन भर जाता है। आप सभी से मैं ये जरूर कहूंगा, चमत्कार में आप भले विश्वास न रखते हो लेकिन अपने संस्कार में अवश्य विश्वास रखिए। आप प्रकृति की पूजा में अवश्य विश्वास रखिए, संस्कृति से जुड़ाव के लिए अवश्य जुड़े रहिए। और ये सब जब तक है तब तक छठ पूजा आपको करना होगा, और छठ पूजा में आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप खुद देखेंगे कि आपको बड़ा ही आत्मसंतोष मिलता है। और उस समय अद्भुत स्थिति होती है कि चार चार दिनों के व्रत के बाद जो व्रती है, जो व्रत करने वाली हैं, वो जब पारण करती हैं और अर्घ देकर सूर्य को अपना पूजा संपन्न करती हैं और आपके माथे पे तिलक लगाती हैं, आप उनके चरण छूते हैं, तो ये हमारे भारतीय संस्कार, सनातन संस्कार की इतनी ज्यादा संपुष्टि करता है और आपका आशीर्वाद देता है। तो इसीलिए आप सबको पुनः मैं छठ पूजा की बधाई देता हूँ, छठ पूजा की हार्दिक बधाई आप सभी को, और छठ मैया आप पर कृपा करें। आप अपने गीत गाते हैं, देखिए कितना पारंपरिक गीत है। लगभग मैं भी बहुत सारी चीजों को देखा हूँ। शारदा सिन्हा जी का उस समय ये गीत नहीं आया था, उसके भी पहले से ये गीत चल रहा है, मारवो रे सुगना धनुष से, या फिर कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लच कहती जाए। तो ये सारी जो लोक गीत हैं सैकड़ों वर्ष से कंठ में, समाज के कंठ में, लोक के कंठ में है, और ये दिल यही मंत्र है, ये संगीत ही मंत्र है इस छठ पूजा का। तो ऐसे संगीत में, प्रकृति में, आस्था में, विश्वास में छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप सबको मैं बताऊं कि छठ पूजा दुबई में भी हो रहा है, वहां भी समुद्र किनारे जो छठ पूजा के मानने वाले हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, विभिन्न खाड़ी देशों में कर रहे हैं। और